स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हिमाचल प्रदेश की जीके का हम टॉपिक करेंगे। तो जैसे कि आपको बताया हिमाचल प्रदेश की जीके में, आज जो इस क्लास है में आपको मैं हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए जनसंख्या, क्षेत्रफल, उसके नगरीय जनसंख्या, एससी एसटी आदि के क्वेश्चन जो आते हैं या पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको कराने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो आता है जिसको हम एरिया कहते हैं, तो एरिया वाइज हिमाचल जो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 55,673 किलोमीटर 55,673 स्क्वायर किलोमीटर में हिमाचल का एक्सपेंशन है, जो भारत का 1.69% यानी भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन आएगा 1.69% यानी लगभग 1.5% जो है क्षेत्रफल में आता है। और हिमाचल जो है 19वां राज्य है, हिमाचल आएगा 19वां राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। फिर आता है जी हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आएगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और छोटा जिला आएगा हमीरपुर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा आएगा हमीरपुर। फिर आते हैं हिमाचल की जनसंख्या। जनसंख्या वाइज हिमाचल प्रदेश जो है 68 लाख यानी 68 लाख जो है कुल जनसंख्या आती है हिमाचल प्रदेश की, जिसमें जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला आएगा वो आएगा कांगड़ा। कांगड़ा जिला सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या में। और लाहौल स्पीति जो है सबसे छोटा जिला है कुल जनसंख्या में, सबसे छोटा लाहौल स्पीति और सबसे बड़ा कांगड़ा। तो अगर क्वेश्चन आते हैं आपको जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, तो डेंसिटी जो आती है तो डेंसिटी वाइज हिमाचल प्रदेश जो है 123 स्क्वायर किलोमीटर यानी 123% जो है एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो ये जो है जनसंख्या घनत्व जो है भारत के जनसंख्या घनत्व से कम है, यानी यहाँ पर लोगों का घनत्व कम है। फिर क्वेश्चन आता है घनत्व के आधार पे 28वां राज्य है यानी हिमाचल प्रदेश जो है 28th स्टेट आती है घनत्व के आधार पर। फिर आता है हिमाचल प्रदेश में 90% यानी 90% जो है विलेज गांव आते हैं, तो 90% पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है। और लगभग 9.8% शहरों में रहती है। तो यानी विलेज पॉपुलेशन 90% आती है और अर्बन यानी सिटी पॉपुलेशन आती है 9.8, तो शहरों की आबादी 9.8 आती है। फिर क्वेश्चन आता है आपको हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट यानी वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि में जो दशकीय यानी 10 ईयर ग्रोथ आती है वो आती है 12.81 यानी 12.81 आती है दशकीय वृद्धि दर। और एनुअल यानी वार्षिक वृद्धि दर आती है 1.6 यानी 1.6 ग्रोथ रेट आती है 1 ईयर में। फिर आता है सर्वाधिक घनत्व वाला जिला यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे सबसे घना जिला कौन सा है। हमीरपुर में ज्यादा लोग रहते हैं, घना जिला है, 369% रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। तो सबसे ज्यादा घना जिला आएगा हमीरपुर। और सबसे कम घना यानी सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंस जो है या डेंसिटी आएगी लाहौल स्पीति में, एक स्क्वायर किलोमीटर में वहां पर 2 लोग रहते हैं। तो सबसे कम घना जिला आएगा लाहौल स्पीति, सबसे अधिक आएगा हमीरपुर। फिर क्वेश्चन आता है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे ज्यादा वृद्धि दर आती है ऊना की। ऊना में 16% की वृद्धि दर दर्ज की गई जनसंख्या में। और सबसे कम आएगी लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जनसंख्या ग्रोथ रेट नेगेटिव में रहती है, -5 रही है लाहौल स्पीति की ग्रोथ रेट, यानी वहां जनसंख्या जो है डाउन हुई है। फिर आता है लिंगानुपात, सेक्स रेशो। तो हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो जो है, सेक्स रेशो आएगा 974 आता है 1000 मेल पे, यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या आएगी 974। और 2011 में ये 974 है, इससे पहले 968 थी, तो यानी 4 लड़कियों की वृद्धि हुई है, 4% इसमें बढ़ा है। फिर आता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यानी मैक्सिमम सेक्स रेशो आता है हमीरपुर में। हमीरपुर में सेक्स रेशो जो है 1096 यानी 1096 आता है। और हिमाचल में 1000 सेक्स रेशो से अधिक वाले जिले 3 आते हैं, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी।
हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सेक्स रेशियो जो है 1,000 से ऊपर, यानी लड़कियों की संख्या 1,000 से अधिक जा रही है, और सबसे अधिक हमीरपुर में। सबसे कम सेक्स रेशियो यानी लोएस्ट सेक्स रेशियो आता है किन्नौर में 818 सेक्स रेशियो आता है, सबसे कम दर्ज किया गया है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट आता है शिशु सेक्स रेशियो, यानी चाइल्ड जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 में, उनका सेक्स रेशियो आता है 1,013 आता है हिमाचल प्रदेश में। ये सर्वाधिक है लाहौल स्पीति में और न्यूनतम कांगड़ा में है 873, सबसे कम आएगा कांगड़ा और सबसे अधिक आएगा लाहौल स्पीति में। फिर आता है जी सर्वाधिक शिशुओं की संख्या, यानी टोटल बच्चे सबसे अधिक किस जिले में है, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कांगड़ा में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक है क्योंकि पॉपुलेशन कांगड़ा की सबसे ज्यादा है, और सबसे कम आएगी लाहौल स्पीति में। ठीक है जी, अब आता है साक्षरता यानी लिटरेसी। तो लिटरेसी में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट आता है 83%, यानी 83.78, 83% आएगा ये साक्षरता है। भारत की साक्षरता से अधिक आती है, 75 से ऊपर है 83 आएगा। पुरुष यानी मेल लिटरेसी आती है 90%, यानी 90% पुरुषों की साक्षरता है, मेल सबसे ज्यादा साक्षर है। महिलाओं की साक्षरता आएगी 76%, यानी 76% महिलाएं साक्षर हैं और पुरुष आएंगे 90%। पुरुषों की सबसे अधिक साक्षरता किस जिले में रिकॉर्ड की जाती है, तो मेल की साक्षरता आएगी हमीरपुर में, हमीरपुर में 95% यानी 95% पुरुष साक्षर हैं, और न्यूनतम आएगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा की आएगी 84% यानी 84% पुरुषों की साक्षरता है, कम आती है। फिर आता है महिलाएं सबसे अधिक साक्षर आएंगी हमीरपुर की, तो हमीरपुर सबसे अधिक महिलाओं में और सबसे अधिक पुरुषों में साक्षर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता जो लोएस्ट आती है वो चंबा में आएगी, और न्यूनतम महिला साक्षरता भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में आएगी। तो महिलाओं की और पुरुषों की सबसे कम चंबा डिस्ट्रिक्ट आती है। तो ये था साक्षरता। अब मैं आपको कुछ और डाटा बता देता हूँ हिमाचल प्रदेश के बारे में। जैसे SC यानी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में, अनुसूचित जाति की जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश में 24% पॉपुलेशन आती है SC की, शेड्यूल कास्ट की। ये पंजाब के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत में राज्य है जिसमें SC की प्रतिशत में सबसे अधिक है। भारत में सबसे ऊपर पंजाब का आता है, दूसरा स्थान आएगा हिमाचल प्रदेश का। कुल जनसंख्या में SC जो है 15 लाख आबादी है अनुसूचित जाति की, और कांगड़ा जिला में सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं, सर्वाधिक है वहां, और न्यूनतम आएगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर में सबसे कम पाए जाते हैं। प्रतिशत में आएगा SC अगर तो सिरमौर में आता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, और अगर प्रतिशत में आता है सबसे कम तो लाहौल में सबसे कम आएगा, लाहौल स्पीति में सबसे कम। फिर आता है ST यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, हिमाचल प्रदेश में 4% पाई जाती है अनुसूचित जाति, और हिमाचल जो है 24वां राज्य है भारत का, 24वें नंबर पर आता है हिमाचल। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ST की कुल जनसंख्या सर्वाधिक है, चंबा में सबसे ज्यादा है अनुसूचित जाति के, और न्यूनतम आएंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट, ऊना में सबसे कम। और प्रतिशत में अगर आता है ST, लाहौल स्पीति में सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है ST पॉपुलेशन का, और सबसे कम प्रतिशत यानी परसेंटेज वाइज आएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट, ऊना में सबसे कम और लाहौल स्पीति में सर्वाधिक आएंगे अनुसूचित जनजाति के लोग। अब आता है ग्रामीण जनसंख्या, तो विलेज पॉपुलेशन में देखते हैं, सर्वाधिक विलेज पॉपुलेशन आएगी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा में सर्वाधिक विलेज में रहने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा गांव में रहते हैं कांगड़ा में, और सबसे कम यानी कुल में सबसे कम जो आते हैं वो आते हैं जो ग्रामीण में आएंगे प्रतिशत में, वो आएंगे लाहौल कुल में लाहौल में सर्वाधिक कम पाए जाते हैं, यानी सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है क्योंकि आबादी लाहौल स्पीति की कम है, तो गांव में रहते हैं मैक्सिमम वहां, और है भी आबादी टोटल में कम। किन्नौर और लाहौल स्पीति दो ऐसे जिले हैं जहां पर शहरी आबादी बहुत कम है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में शहरी आबादी बहुत कम है, यानी नगरीय आबादी लाहौल स्पीति में और किन्नौर में सबसे कम है, जबकि नगरीय आबादी में सर्वाधिक जो टोटल में आएगा वो शिमला डिस्ट्रिक्ट आएगा। शिमला में शहरी आबादी लगभग 2 लाख के आसपास है, और हिमाचल का सबसे अधिक जनसंख्या जो नगरीय है यानी शहरी जनसंख्या का जिला आएगा शिमला। तो मैंने आपको फास्टली तेज गति से हिमाचल प्रदेश के कुछ जनसंख्या के लिटरेसी आदि के क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।